तो इसके पहले मैंने एक और फिल्म करी है सिद्धार्था जो अभी रिलीज नहीं हुई है तो उसके कुछ रशेज विक्रम सर ने देखे थे उनको तब मेरा काम बहुत अच्छा लगा था और उनने मुझे बुलाया था और कहा था कि हम काम जरूर करेंगे साथ तो जब वो ये स्टोरी लिख रहे थे शायद उनको कहीं मैं दिमाग में आया तो उनके कास्टिंग डायरेक्टर ही गोरन टाजपित एंड या उधर ही से दट इट मैं विक्रम के साथ एक वेब सीरीज़ कर रही थी विच वॉज़ फॉर हिज वी बी ऑन द वेब एंड ही वॉज माई को एक्टर इन दैट वेब सीरीज़ तो आई थिंक उसी दौरान यू नो ही मस्ट हैट माई वर्क वॉज गुड एंड फिर बात आगे बढ़ी एंड वेन गोस्ट वॉज ऑन फ्लॉर्ज आई मीन वॉज गोइंग टू गो ऑन फ्लॉर्स ही अर अप्रोच नी एंड ही सेट दट नो दर इज दिस फिल्म एन ऑन मेक एट एन ऐसे हो गया सो so, जब ये फिल्म फिल्म ऑफर किया गया तो सबसे पहला थॉट क्या आया इस फिल्म को लेकर ऑबियसली um, मैं सबसे पहले स्टोरी के बारे में सोच रही थी बिकॉज फॉर मी इट वॉज ऐसा नहीं था कि आई वॉज मुझे फिल्में करनी थी आई वॉज डाइंग टू डू अ फिल्म मुझे काम करना था एंड आई वॉन्ट टू डू समथिंग इंटरेस्टिंग और जब विक्रम ने ये स्टोरी नरेट किया मुझे क्योंकि ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है So uh, I found it very interesting. Ki uh, you know the court versus supernatural, uh, and uh, I'm playing a lawyer in the film. So when I heard my character, which was so beautifully written by him, um, I, there was nothing left to say except yes. <laughs> uh, for me as well, when I read the story, I was really excited because.

ये यू नो लाइक आई मीन ये बेसिकली ये ही हम दोनों को एवरीवन इज गिविंग दिस रेस्पॉन्स ओनली कि व्हाट अ लवली ट्रेलर इट वास सो स्केली हम डर गए थे एंड आई थिंक अगर कोई डर जाए हमारा ट्रेलर देखके दें वी डन व्हाट बी एम टू डू एंड तो वो हुआ है पर सबको गाने भी बहुत अच्छे लग रहे ह� Would you, you like will, to, you oh, okay. <laughs> I'm playing a character called uh, Karan Khanna. He's a politician. <coughs> <coughs> right. So, my character is very straightforward. He's focused on winning the elections. That's what he's working towards. But then something unnatural happens with him. And then how he has to deal with it is what builds with my character. Uh, I'm playing Simran Singh in the film. She's the lawyer. और लेकिन एक्चुअली um, आपको फिल्म देखनी पड़ेगी टू अंडरस्टैंड वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सड कैरेक्टर है शी हैज़ टू मच हैपनिंग इन हर लाइफ उसके पर्सनल लाइफ में ही वो इतनी चीज़ों के साथ डील कर रही है कि जब ये केस आता है उसके पास इट जस्ट लाइक इट काइंड ऑफ एड्स एंड वेअर्डली सॉल्व हर प्रॉब्लम सो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी उसके लिए लेकिन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग रोल था बिकॉज uh, इतने कम टाइम में टू बी एबल टू कन्विंस दी ऑडियंस कि ये लड़की ऐसी है और फिर आगे भी देखो स्टोरी ऐसी है तो इट वॉज अ हार्ड फॉर कितना कुछ प्रिपेयर करना पड़ा कितनी चैलेंजेस आई इस फिल्म के प्रिपेयर तो नहीं करना पड़ा बिकॉज एवरीथिंग हैपन वेरी फास्ट एक्चुअली जब फिल्म मुझे ऑफर हुआ था एंड देन विक्रम वॉज ऑलरेडी देर विक्रम इनफैक्ट लंडन में ऑलरेडी थे वो शूटिंग फॉर समथिंग एल्स साथ में हमारी फिल्म लिख रहे थे तो ज्यादा टाइम नहीं था फॉर प्रपरेशन हमारा प्रेपरेशन हुआ वेन वी वटरलीन सेट्स एंड विक्रम काइंड ऑफ लाइक नोचर्ड मी इन टू दिस कैरेक्टर ऑफ सिमरन बिकॉज एवरी डे लाइक ही वुड आराम से बैठ के मुझे मुझे समझाते थे कि ऐसा चाहिए काइंड ऑफ गर्ल शी इज सो धीरे 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 मुझे लगे कुछ दस दिन समझने के लिए वॉट ही वॉन्ट्स फ्रॉम मी एंड दिस कैरेक्टर बट एक बार समझ में आ गया जस्ट वेट ऑन का राइट वी वॉज शूटिंग सीन वॉज द मोस्ट लाइक अ वेरी क्रूशियल सीन इन द क्रूशल सी दिल या इमोशनल सीन और मुझे तो मतलब विक्रम ने इनफैक्ट मुझे कहा भी था कि आई एम सो सॉरी सुनाया कि ये सीन यू नो यू हैव टू डू है कैरेक्टर कैरेक्टर थोड़ा समझती और फिर ये सीन आता बट या इट वॉज Our first day was, I think, confusion. Yeah, yeah, that's what so it was. So basically, our learning was on set. There wasn't much time for preparation. Yeah. Okay. your yeah. last day, Last day. Yeah. Last day was smooth. By then, we were autopilot. Yeah, autopilot mode pe the. It was. Uh,

बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इनफैक्ट आई फील लाइक आई कंट आस्ट फॉर अ बेटर डायरेक्टर टू स्टार्ट माई फिल्म करियर विथ बिकॉज वो इतने ज्यादा पेशेंट है इतने ज़्यादा काम है एंड वो बहुत ही सेंसिबल बातें करते हैं लाइक वेन ही टेल्स यू अबाउट अ कैरेक्टर यू नो इज ही जस्ट नोज हाउ टू मिनूवर एन एक्टर वो समझते हैं कि एन एक्टर सोच क्या रहा है ही टेल यू वॉट यू आर थिंकिंग बिफोर यू आर थिंकिंग इट You know, so um, I couldn't have asked for a better teacher. क्योंकि मेरे लिए मैंने बहुत कुछ सीखा है इस फिल्म के थ्रू। बड़े पर्दे पे काम करना, it's a different ball game. It's not the same as uh, what it is in t te in television. It is it is different. And Vikram taught me that different. And he taught it to me very calmly and beautifully. So I couldn't have asked for someone better. Yeah, I think it was just very enriching because he was coming from so much experience. He's been in the industry for so many years. He's made some amazing films. to aapko

उसके बाद really. हाँ इनिशियली चैलेंजिंग था मुझे तो बहुत ही ज्यादा इनिशियली चैलेंजिंग लगा था बिकॉज लाइक सी हिज कैरेक्टर इज स्टिल इट्स अ वन डिमेंशनल कैरेक्टर एक एक है उसके एक इंसान है ऐसा है उसके साथ ये हुआ है बट माय कैरेक्टर इज लाइक ये लड़की है इसके साथ ये हुआ है पर ये ये सोचती है और वो ये करती है और फिर ये आ गया है और फिर भूत आ गया है इट्स hmm. लाइक हाउ डू यू सो मेनी थिंग्स एक साथ तो मेरे लिए बहुत ही इनिशियली बहुत ही चैलेंजिंग था बट लाइक विक्रम वॉज देयर टू गाइड मी थ्रू इट सोटरेस्टिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इनफैक्ट जब मैं टीवी करती थी तो आई नेवर रियली थॉट की मुझे फिल्में करनी है और I, I never, मैंने कभी सोचा नहीं था की आई एम मिसिंग आउट ऑन समिंग एज एन एक्टर मुझे कभी लगा नहीं की यार नहीं टीवी करके वो नहीं मिल रहा जो फिल्म करके मिलेगा बट अब जो मैंने फिल्म की है आई नाउ अंडरस्टैंड वॉट आई वॉज मिसिंग आउट ऑन ये इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड इट्स अ डिफरेंट एक्टिंग गेम ऑल टूगेदर एंड अभी तो मतलब मैं लिटरली आई एम अ बेबी नाउ आई फील लाइक अब भी तो शुरू किया है मैंने ये दैर अ लॉन्ग वे टू गो इन फ्यूचर आप किस टाइप की मूवी करना पसंद ऑल ऑल आई डोंट टू लिमिट माई सेल्फ टू एनीथिंग Type role play. Any kind, any kind of role, like there are so many good actors, oh my god, in our industry there is, uh, man, so many, Imran Khan, Nawazuddin, Ayushman, Vicky, uh, Rajkumar Rao, Ranveer Kapoor is so good, Ranveer Singh is so good, oh my god, I can name so many actors, these guys are so talented, I would love to work with all of them, the question is, do they want to work with me? <laughs>

I, I don't know I actually I think these days there's just such great content being made and everyone is experimenting trying different things and yeah. I would just love to do a different kind of project you know where, which is exciting and different from the rest that's coming out okay. so if it's a great director as well that'll just be a bonus uh कहांजोन yes, yeah, तो <laughs> okay, के बारे में बताइए चार फिल्में साइन कर लिया है ऑलरेडी बताइए की बातें हो रही हैं बट कुछ भी साइन नहीं किया अभी मैंने मैं तो ऐसे ही खाली बैठा आप बताइए बड़ी बड़ी बातें <laughs> पाव खाते खाते हैं <laughs> uh, मेरी कोई बात नहीं चल रही है एट मी सनाया वांट्स टू वर्क इन गुड मूवी गुड वर्क कैन डू एवरीथिंग फ्रॉम कॉमेडी टू डांसिंग टू इमोजेंसी right now आई <laughs> डू it ऑल फॉर ऑल ऑफ यू

From you guys, so just please keep the love pouring in when Ghost releases on the 18th of October. Uh, I would love to know what you guys thought of the film, and you all know how you all can tell me that through social media. Um, but yeah, go watch it. Go watch it. Don't watch it alone. Yeah. Take a bunch of people and watch it. Take your family. <laughs> take your friends. Take your neighbours. Take everybody. <laughs> and you and you I can do all the acting in film. I can do comedy I can you dance. I can do. Sadly, it's not comedy. It's not dance. But you will definitely watch the movie. Zarur